नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, हूँ पटेल भूमि ओम पब्लिक स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छू। आज आपने धोरण 5 में विषय हिंदी अने कविता छे त्रीजी नन्ना मुन्ना राहियु ते आपने आगळ शीख्या। हवे आपणे आजे तेनो स्वाध्याय जोईए। तो प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो प्रश्न छे, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो एनो जवाब लखिए, धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे। शू कहे छे के तड़का में आपणे आपणो परसेवो वहावीए तो शू थाय? तो कहे छे के खेत फसल एटले के आपणे जे पण फसल के खेतर में जे पण वायु होय ने ते सारू उगे। आपणे मेहनत करिए तो दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा। प्रश्न 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा। प्रश्न 4, नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? नन्हा राही दुनिया में क्या गिरने नहीं देगा? तो नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। नन्हा राही दुनिया में बम गिरने नहीं देगा। प्रश्न 5, देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही कौन है? तो नन्हा बालक देश का सिपाही है। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर निडर होकर सीना तान कर चलेगा। कैसे चलेगा? निडर होकर और सीना तान कर चलेगा। चलो हवे प्रश्न नंबर 2 जोईए। तो प्रश्न नंबर 2 में छे, निम्नलिखित शब्दों का विलोम एटले के विरोधार्थी शब्द लखवानो छे। तो जो अहीं उदाहरण आप्युं छे ने, उदाहरण तरीके आगे, तो एनु आपणे आगळ, तो एनु विरोधार्थी शुं थाय? पाछळ, बराबर ने? તો એવી રીતે અહીંયા આપણને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપ્યા છે અને ઉપરોક્ત વિલોમ શબ્દ આધારિત વાક્ય બનાવીએ તો આપણને જે વિરોધાર્થી શબ્દો આપણે બનાવીએ તેના આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. તો જો અહીંયા ઉદાહરણ પણ આપેલું છે, સબ બચ્ચે આગે ચલે જા રહે થે. તો અહીંયા આપણે આગે આવ્યું, બરાબર, અને હવે એનું વિરોધાર્થી, તો વિરોધાર્થી શબ્દ કયો છે? પીછે. તો તેના વિરોધાર્થી શબ્દનો આપણે વાક્ય બનાવવાનું. તો કોઈ બી બચ્ચા પીછે નહીં રહેના ચાહતા, બરાબર. તો આગે અને પીછે બંને શબ્દો આવી ગયા, આપણે એ રીતે વાક્ય બનાવવાના છે. તો એના પહેલાં આપણે વિરોધાર્થી શબ્દ જોઈએ. તો પહેલો છે બડા, તો છોટા, તેનું વિરોધાર્થી શું થાય? છોટા. બડા એટલે મોટું, છોટા એટલે નાનું. પછી દાયા, તો બાયા, દાયા તો જમણું અને બાયા તો ડાબું, બરાબર. ધૂપ, તો તડકો, અને છાવ એટલે છાંયડો. ધરતી, તો આપણે જમીન, અને આકાશ એટલે આકાશ. ઊંચા, તો ઊંચું, અને નીચા તો નીચું, બરાબર. સમજ પડી? ચાલો ફરીથી એકવાર જોઈએ. બડા એટલે મોટું, તો એનું વિરુદ્ધાર્થી શું થાય? છોટા એટલે નાનું. દાયા, તો બાયા. ધૂપ, તો છાવ. ધરતી, તો આકાશ. ઊંચા, તો નીચા. હવે આપણે આજે વિરોધાર્થી શબ્દ જોયા તેના પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાના છે. તો ચાલો વાક્ય બનાવીએ. નિમ્નલિખિત શબ્દો કા વિલોમ શબ્દ ઢૂંઢ કર લિખીએ અને તેનું વાક્ય બનાવવાના છે. તો જો અહીંયા પહેલાં આપણે બડા, તો છોટા. તો અહીંયા આપણે પહેલું વાક્ય જોઈએ, મેરા બડા ભાઈ કિસાન હૈ.
तो बड़ा एटले मोटो, तो अहीं शू लख्यू छे, मेरा बड़ा भाई किसान है, तो मारो मोटो भाई खेडूत छे, बराबर। तो अहीं एनो विरोधार्थी शब्द शू हतो, छोटा, तो शू लख्यू छे, मेरा छोटा भाई डॉक्टर है, तो के मारो मोटो भाई खेडूत छे, मारो नानो भाई डॉक्टर छे। अशोक का दाया पैर जख्मी है, दाया और बाया, बराबर, आ बन्ने शब्दों आया, तो कहे छे अशोक का दाया पैर जख्मी है और अशोक का बाया पैर अच्छा है, तो के अशोक नो जमणो पग, जमणा पग में तेने वागेलू छे अने तेनो डाबो पग सारो छे। धूप में पसीना निकलने लगता है, धूप एटले तड़को, आपणे तड़कामां ऊभा रहीए तो आपणने परसेवो लागे ने, तो એવું કહે છે કે ધૂપ મેં પસીના નિકલને લગતા હે, બરાબર, અને છાવ મેં શીતલતા મિલતી હે, છાવ એટલે છાયડો, તો છાયડામાં આપણને શાંતિ મળે, બરાબર ને, શીતલતા મળે। તો આપણે અહીંયા આ ત્રણ વાક્યોના શબ્દોના વાક્યો બનાવ્યા, બરાબર। આવી રીતે આપણે બીજા જોઈએ, તો છે ધરતી, બરાબર, તો धरती में पौधा उगता है, बराबर, धरती में पौधा उगता है, पौधा एटले छोड़, धरती एटले जमीन, तो आप जमीन में जाइए ना, छोड़, तो कहे कि धरती में पौधा उगता है, अने आकाश में बादल होते हैं, आकाश में बादल एटले वादड़ा, तो आकाश में वादड़ा होय छे ने, तो अहीं कहे कि धरती में पौधा उगता है और आकाश में बादल होते हैं, कि आकाश में आकाश में वादड़ा होय छे। अने छेल्लू जोईए, ऊंचा अने नीचा, तो नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, नारियल नु झाड़ जोयु छे ने केटलू बधुं ऊंचू होय छे, बराबर ने, तो शू कहे छे के नारियल का पेड़ ऊंचा होता है, तो के नारियल नु झाड़ ऊंचू होय छे। अने तुलसी का पौधा नीचा होता है, तुलसी नो छोड़ एटले पौधा, बराबर, तो ए केवड़ू होय छे, नानो ज होय छे, नारियल ना पेड़ जेटलो ऊंचो होय छे, नीचो ज होय छे, तो कहे छे के तुलसी का पौधा नीचा होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे नन्हा मुन्ना राहियु काव्यनी स्वाध्याय जोयो, तो प्रश्न एक अने बे तमारे अहींया बतावेला मुजब तमारी स्वाध्यायनी नोट में लखवाना रहेशे। थैंक यू।